व्हाट ए शॉट यार, कॉर्नर में कैश पावर शॉट लिया है भाई, डिजर्व्स टू विन भाई, बहुत सही भाई। और ये सेलिब्रेट करते हुए जरा आप जूम करके देख लीजिए, ऐसा सेलिब्रेशन बहुत सही भाई। पेनल्टीज में अगर आप मैच जीतते हो आपको ही पता है उस चीज़ की खुशी क्या होती है गाइज, तो लेट देम सेलिब्रेट और हम अपना वॉक कंटिन्यू करते हैं। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 10:45 हो चुके हैं और आपने देख लिया है मैंने पहनी हुई आज अपनी बारसा जैकेट, और हमारे यहाँ पे आज फुटबॉल टूर्नामेंट है। और जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया है, मैं आपको टूर्नामेंट दिखाने लेके जा रहा हूँ। वो एज ग्रुप थोड़ी सी छोटी है, अंडर 19 है, और इसलिए हम नहीं खेल पाएंगे हमारी टीम, और इसलिए मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। और गाइज देख लीजिए, मैं अपने घर से निकल चुका हूँ अभी, और इस टाइम धूप हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ बैक व्यू। सनी डे फुटबॉल गेम के लिए बहुत अच्छा दिन, और मैं बस अपने घर से मैं निकल चुका हूँ, और गेट था ये, इस गेट को मैंने बंद कर दिया। तो गाइज ठीक है, फिर अभी मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। तो गाइस जल्दी जल्दी भागते हुए मैं पहुंच रहा हूं अपने ग्राउंड की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं शायद थोड़ा लेट हो जाऊं और मैचेस ऑलरेडी कंटिन्यू हो चुके हैं। मुझे अपने फ्रेंड का कॉल आया था, तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा। और ये कर ली है मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट, और मैं ज़रा काफ़ी तेज़ी से जाऊँगा। और देख लीजिए थोड़ा सा आप साइड का व्यू भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा व्यू आ जाता है मेरे घर के पास से। एक गली छोड़ के ही ये कनाल है, यमुना कनाल मेरे घर के पास, और इसके अराउंड मुझे राइड करके जाना पड़ेगा। और देख लो आप, बहुत से व्यू, आप भी थोड़ा सा देख लीजिए, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। और आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, ज़रूर बताना इस व्यू के बारे में, आपको ये व्यू कैसा लग रहा है, और मेरे घर के बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ यहाँ पे शहर में टूर्नामेंट है फुटबॉल का, और हम ना हो सकता है ऐसा अपने ये, और ये तो अपने ही ग्राउंड में हो रहा है गाइज़, ये देख लो। अभी मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा, क्लिप अलग से ऐड कर दूंगा मैं अच्छी क्वालिटी के बैक कैमरा वाले वीडियो से। बाकी गाइज़ बताता हूँ आपको, कंटिन्यू करता हूँ आगे। स्पॉन्सर्ड बाय एसके स्पोर्ट्स पटियाला, ये हॉकी का टूर्नामेंट भी चल रहा है भाई, लोग देख लो। ये थोड़े से मैंने गेम के क्लिप्स कुछ अच्छे अच्छे काट के रखे हुए हैं, ये जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, स्किप मत करना गाइस, बहुत मजा आएगा। शाबाश। और स्वामी क्या हाल है? बढ़िया भाई, ठीक है। खेल नहीं रहा क्या? ना यार, ये नहीं है। और ये हमारे हमारे ऑफिशियल्स। कौन सा मैच चल रहा है? ये सेकंड है। और यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ। तो गाइस स्कोर क्या चल रहा है यहाँ पे? 1-0। जो येलो वाली टीम लीड कर रही है? नहीं। ओके, येलो वाली टीम जो है यहाँ पे ट्रेल कर रही है, और जो रेड वाली टीम है वो जीत रही है। तो गाइस देखते हैं, टफ चल रहा है गेम, तो बाकी कोशिश करेंगे सेकंड हाफ थोड़ा सा उधर उस हाफ में चलाएं, उनके हाफ में बॉल चलाएं, कोशिश करेंगे, बाकी गाइस देखते हैं। तो गाइस गर्मी हो चुकी है यहाँ पे, और 1 नवंबर है आज, 1 नवंबर हरियाणा डे, हरियाणा डे के लिए ये ऑर्गेनाइज करा गया था ये टूर्नामेंट, अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट। और ये पीछे हॉकी भी चल रहा है, हॉकी ग्राउंड है साथ में, और हरियाणा डे के लिए अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, इसी को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बनेगा इस टूर्नामेंट में, तो देखते रहना, गर्मी लग चुकी है यहाँ पे मुझे। गाइस लकीली मैं सेकेंड मैच से पहले पहुंचा हूं, और आप देख लीजिए टीम के लाइनअप्स रेडी है। टीम्स पास से गंद पा रहा तू बीच में, पता है तो मैं गेम भी करता हूं। तो गाइस काफी दोस्त इस टीम में मेरे, तो ये मैच देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप भी देखना। ऋषभ YouTube चैनल। तो गाइस अगर आप Instagram पे मुझे फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक मैच में मुझे, एक गर्ल्स के मैच में मुझे लाइन्समैन बनने का चांस मिला था। तो गाइस मैं आपको बता दूं, लाइन्समैन का जॉब भी यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ है, और रेफरी का तो आप समझ जाओ, फिर लाइन्समैन को सिर्फ ऑफसाइड या फिर थ्रोज अगर नियर फाउल से तो उसके बारे में बताना होता है, पर रेफरी वहां सेंटर में गेम को हैंडल कर रहा होता है, और दोनों टीम्स अग्रेशन में होती हैं, और काफी टफ हो जाता है गाइस डिसीजन लेना, और सोच समझ के देने पड़ते हैं, और मैच भी एंजॉय नहीं कर सकते आप, सिर्फ डिसीजंस पे आपको ध्यान देना पड़ता है, इधर उधर भी नहीं देख पाते। तो गाइस रिस्पेक्ट द रेफरी। और गाइस ये बूमरैंग मुझे मेरे दोस्त ने बना के दी थी, तो अगर आपने मुझे Instagram पे फॉलो किया होगा तो आपने ये भी जरूर देखा होगा। और ये है दोनों टीम्स विद आर कोच एंड रेफरी टुडे, गेम की तरफ बढ़ते हुए, और आप देख लीजिए कैसे स्टार्ट किया। और ये कुछ गेम के हाइलाइट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ एक टाइप से आप कह सकते हो हाइलाइट्स मैंने बचा के रखे हुए हैं ताकि आपको मजा आए। और ये हमारा भाई, इनकी ड्रिबलिंग देखो यार, सारा डिफेंस बीच में से निकाल देते हैं बॉल अकेले, कोई दिक्कत नहीं आती। और विंग्स में मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हो विंग्स की तरफ बॉल को खिला रहे हैं, क्रॉस पर कीपर के हाथ में बॉल कंट्रोल, दो डिफेंडर आ रहे हैं पर भाई अपना बॉल छोड़ नहीं रहा है बहुत इजीली, फिर से नहीं छोड़ रहा है, चलो देखते हैं। और ये फिर से विंग्स की तरफ बॉल खोली है बाहर को, देखते हैं क्या होता है, ये क्रॉस खतरनाक हो सकता है, बच गया भाई, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया भाई, बच गया। तो गाइस देखते हैं अभी
क्या चल रहा है। बैक पास फिर से साइड में खोलेंगे बैक पास को, और थोड़ा सा पास देने में थोड़ी दिक्कत हुई पर बच गया। बॉल पोजीशन में ही है अभी भी, और देखते हैं यहाँ पे फिजिकल होता हुआ गेम। और ये भाग गया लेके, देखते क्या होता है। अरे 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 बच गया भाई, बच गया। वो यार चोट तो नहीं लगी होगी इसको, देखते। और यहाँ पे हाइलाइट्स दिखा रहा हूँ तो देख लीजिए, ये शॉट लेने वाले हैं फेक एक और शॉट। अरे थोड़ा सा मिस हो गया, ऊपर से निकल गया। और विंग्स की तरफ से अटैक, अंदर की तरफ क्रॉस, शॉट लेगा शायद, शॉट, और गोलकीपर ने इसको ब्लॉक कर लिया है। और ये पेनल्टीज में गया था जब मैच, और मैं आपको पेनल्टीज जल्दी से हाईलाइट दिखा देता हूँ कट करके, आप देख लेना। इजी फिनिश और सेव फिनिश, इजी। आप देख लो कितनी इजीली बॉटम कॉर्नर्स पे बॉल स्कोर कर दे रहे हैं। देख लो कॉर्नर्स पे मारने का फायदा कितना होता है। देखो इजीली कॉर्नर्स पे कर दे रहे हैं और गोलकीपर को चांस नहीं दे रहे जरा सा भी कॉर्नर का, सिर्फ प्लेस कर रहे हैं। देख लो ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, सिर्फ प्लेस कर रहे हैं। और गाइज ये है फाइनल शॉट, और ये लगा दिया शॉट भाई साहब। और ये पेनल्टीज में जब आप जीतते हो, आपको पता है गाइज ये था फाइनल पेनल्टी जो डिसाइड करती थी कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसमें एक बीच में पेनल्टी मिस हुई थी और वो गोलकीपर के हाथ में मारी थी, मैं वो दिखाना रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं बाय मिस्टेक, तो आपको मैं बता रहा हूँ वैसे। ओ गुड मैन। तो गाइज ये है गोल्ड मेडल जो फर्स्ट टीम को मिला है, जो टीम फर्स्ट आई है। और जो ये है वो है सिल्वर मेडल जो सेकंड टीम को मिला है, और दोनों ही टीम के प्लेयर्स मेरे अच्छे दोस्त थे तो मैंने फोटोज खींच ली। और आप ये देख लीजिए फाइनल प्लेइंग टीम्स का आपस में सेलिब्रेशन। गाइज मेडल ट्रॉफीज तो मिलती रहती है, इस चीज़ के लिए खेलते हैं हम, खुशी के लिए।